में पिछले मार्च 2020 से हमारे कोविड-19 के पेशेंट दिखते थे। अभी पहले नवंबर दिसंबर में पेशेंट कम हो गए थे, बाद में वापस फरवरी से पेशेंट बढ़ गए, और इस दरमियान अभी जो रिसेंटली पिछले 3 हफ्ते से महीने भर से म्यूकर माइकोसिस नाम की जो नई बीमारी है, जिसको ब्लैक फंगस बोलते हैं, ऐसी बुरशी की बीमारी है, वो शहर के पेशेंट में दिखती हुई नज़र आ रही। इसमें ऐसा नज़र आ रहा है कि जो ज़्यादा एज के पेशेंट है, अंदाजा 40-50 के आगे वाले पेशेंट है, जिन्होंने एडमिट हुए थे, जिनको बड़े पैमाने पर आईसीयू में एडमिट किया था, ऑक्सीजन दिया था, जिनको रेमडेसिविर दिया था, जिनको स्टीरॉइड्स वगैरह दिया था, जो काफ़ी तबीयत नाजुक अच्छे होकर वापस गए, उनमें ये बीमारी नज़र आ रही। ये बीमारी की वजह से शुरू में पेशेंट को उसका चेहरे में दर्द होना, दांत में दर्द होना, नाक में से पानी बहना, खांसी आना, दम लगना, ऐसी जो तकलीफ होती है, मगर बाद में वो बीमारी फैलते हुए नाक के पीछे, चेहरे के पीछे, आँख के पीछे, ऐसे वो फैलती जाती है। उससे कभी कभी पेशेंट के मगज तक, ब्रेन तक ये जो बीमारी फैल के जान जोखिम भी हो गई। ऐसे अभी तक PCMC एरिया में अभी तक अलग अलग 90 से ज़्यादा पेशेंट दिखे हुए, 9 से 10 आदमी की डेथ हो गई है। ये सब के पेशेंट के उपचार मेजरली YCM हॉस्पिटल है, DY पाटिल मेडिकल कॉलेज है, उसके बाद में हमारा जम्बो कोविड है, तो उसके बाद ऑटो क्लस्टर है, अदिति बिरला ऐसी और लोकमान्य ऐसी बड़ी हॉस्पिटल में होते हैं। इस बात पे सब पेशेंट के रिलेटिव को विनती है कि जो पिछले 1-2 महीने में जो पेशेंट डायबिटीज़ के थे, ज़्यादा उम्र के थे, जिनको कोविड डिटेक्ट हुआ था, जो एडमिट हो गए थे, जो ICU में तक गए थे, और उन्होंने बाद में ICU से अच्छों के बाहर आए, अभी उन्हें अपने आप पे ध्यान रखना है। अगर उनको कोई चेहरे में दर्द है, आंखों में लाल होता है, या फिर दिखने में कोई तकलीफ़ है, या खांसी है, या फिर नाक से पानी बह रहा है बार बार, जो अच्छी ठीक नहीं हो रही, बार बुखार आ रही है, जो भी चीज़ें लक्षण लगती है, तो उन्हें अपने नज़दीक के मनपा के हॉस्पिटल में दिखाना, YCM में दिखाना, और अपनी म्यूकर माइकोसिस नहीं, उसके लिए जाँच करा के लेना। इसके लिए महापालिका के अलग अलग हॉस्पिटल में उपचार की सुविधा की गई है, इसका उन्होंने लाभ लेना चाहिए।